15 तारीख के बाद से जो स्टार्ट होने वाला है वो अंदर ही दिखा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। तो गाइज, मैं हूं अभी गोलघर के पास और यहां पे पीछे आपको दिख रहा होगा टिकट घर। तो यहां पे आपको टिकट काउंटर के पास ही दिख जाता है सोमवार बंदी है, और साथ ही साथ यहां पे भी आपको लिखा हुआ दिख जाता है लिखना एवं चढ़ना मना है गोलघर पे, और टिकट प्राइस यहाँ पे 10 रुपया तो दिख ही रहा होगा। तो अभी तक गोलघर पे चढ़ना मना है, लेकिन कुछ अपडेट्स आए हैं इस गोलघर के बारे में कि अब आप गोलघर पे चढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हाथ में ये टिकट है, और टिकट पे आपको लिखा हुआ है लाइट एंड साउंड लेजर शो गोलघर पटना। टिकट पे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत जल्द ही यहाँ पे लेजर शो स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोलघर के अंदर। तो गोलघर के बारे में आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, कैसे बना, किसने बनाया और कब बना, तो इसके लिए आप विकिपीडिया से जाकर उनके बारे में पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं कि ये जो लेजर शो है और गोलघर पर चढ़ने की अनुमति हम लोगों को कब से मिलने वाली है, यह आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई आरके मंडल थे, देखते हैं कौन है और उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। जिन व्यक्ति का हम अभी खोज कर रहे थे वो हमें मिल गए हैं, आरएन मंडल जी। तो इनसे हम लोग कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, हम लोग को ये जानकारी दीजिए, हमारे जो व्यूअर्स है उनको ये जानकारी दीजिए कि हम लोग को अनुमति कब से मिलने वाली है। कमरे का उद्घाटन होने वाला है जी, और 15-20 के अंदर में खुल जाएगा, लेदर शो भी या ऊपर भी, अब मतलब ऊपर चढ़ सकते हैं लोग, आम लोगों के लिए खुला जा सकता है। हाँ, खुला जा सकता है। तो इनका कहना है कि ऐसा उम्मीद है कि 15 तारीख के बाद से ये लेजर शो और ऊपर चढ़ने की अनुमति हम लोगों को मिल जाएगी। तो उद्घाटन जो है वो 15 तारीख को होगा, और उद्घाटन के बाद से गोलघर पर हम लोग चढ़ सकते हैं। तो अभी जो काम हुआ है वो ये पगडंडी आप देख रहे होंगे, अभी नया नया बनकर तैयार हुआ है। तो इस पगडंडी का काम हुआ है, और सामने जो आप देख रहे हैं कि ये सीढ़ी बन चुकी है पूरी अच्छे तरीके से। अभी तो गेट लॉक है और हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि भाई क्या मस्त सीढ़ी बनाया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से रिपेयर किया गया है। अभी हम लोग और चलते हैं आगे, आपको गोलघर के आसपास इसके कैंपस में पूरी तरह से गार्डन देखने को मिलेगा, और काफ़ी खूबसूरत सा गार्डन है, आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं और आने वाले दिनों में तो आप गोलघर पर चढ़ भी सकते हैं। गार्डन की सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, और जितने भी जो घास वगैरह और पत्ते हैं उन सबको छांटा जा रहा है यहाँ पे। चाचा, ये जो बना है इधर, ये वाला, हाँ पानी वाला, हाँ इसी पे लेजर शो दिखाया जाएगा। हाँ, लेजर शो इसमें भी होता है, अंदर भी होता है। मतलब गोलघर के अंदर? हाँ, अंदर भी होता है और इसमें भी होता है। तो अंदर ही दिखाया जाएगा, अगर 15 तारीख के बाद से जो स्टार्ट होने वाला है वो अंदर ही दिखाया जाएगा। अंदर दिखाया जाएगा। अच्छा, और बाहर? बाहर भी देखिए। तो ये मशीन आप देख सकते हैं बाहर में गार्डन के बीच में बना हुआ है ये मशीन, और इसमें भी लेजर शो दिखाया जाएगा। लेकिन अभी कहना ये है कि गोलघर के अंदर भी साफ़ सफाई हुई है और बहुत कुछ बदलाव किया गया है गोलघर के अंदर। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले गोलघर के अंदर ही लेजर शो स्टार्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ इसका जो एंट्री टिकट है वह भी बढ़ जाएगा। अभी हम लोग को प्रवेश करने के लिए मात्र 10 रुपया लगता है, लेकिन जब ये स्टार्ट हो जाएगा लेजर शो तो हो सकता है इसका टिकट दर बढ़ जाए। वैसे एक अनुमानित 25 रुपया तक बढ़ सकता है ये अंदर आने का टिकट, और लेजर शो देखने का टिकट आपको 25 रुपये तक लग सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, इसलिए 15 तारीख के बाद ही आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि अंदर आने का टिकट कितना है। और 15 तारीख के बाद एक न्यू वीडियो लाएंगे हम लोग इस लेजर शो का और गोलघर के ऊपर चढ़ने का वीडियो। तो वो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो गाइज, ये था गोलघर से जुड़ा नया अपडेट, और इस नए अपडेट के साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ ही हंसते रहिए, खुश रहिए।